Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal and in this video we are going to learn licensing and franchising ke difference ke bare mein. Okay, so pehle humne padha ki international business kya hota hai. फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे कोई इंसान इंटरनेशनल बिजनेस में घुस सकता है तो उसी में एक सब पार्ट है हमारा लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग का लेकिन ये पार्ट को अगर हम बहुत माइन्यूटली देखें तो ये दोनों वर्ड्स काफ़ी वे में मतलब सिमिलर तो हैं लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स में डिफरेंट भी हैं तो इस वीडियो में हम इन दोनों वर्ड्स के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे आइए जानते हैं क्या लिखा हुआ है ये बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग इज टर्म वेरी सिमिलर टू लाइसेंसिंग मतलब फ्रेंचाइजिंग टर्म जो है बहुत ही सिमिलर है लाइसेंसिंग जैसे ठीक है वन मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू इज दैट व्हाइल द फॉर्मर इज यूज्ड इन कनेक्शन विद प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स द टर्म फ्रेंचाइजिंग अप्लाइज टू सर्विस बिजनेस मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइसेंसिंग जहाँ गुड्स से रिलेट करती है मतलब जब भी गुड्स की बात आती है कि गुड्स वगैरह किसी और उसके आपको इस्तेमाल करने हैं तो उस सिनेरियो में हम लाइसेंसिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वेयर इज जब बात आती है सर्विस प्रोवाइड करने की सर्विसेज के बारे में तो वहाँ पे जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है फ्रेंचाइजिंग तो एक वर्ड गुड्स के साथ एसोसिएटेड है दूसरा वर्ड हमारी सर्विसेज के साथ एसोसिएटेड है Then they say the other point of difference between the two is that franchising is relatively more stringent than licensing. Stringent का मतलब होता है strict. तो what they are saying कि जब हम बात करते हैं franchising के बारे में वो थोड़ी सी ज़्यादा strict मानी जाती है थोड़े से उसके rules, regulations, थोड़े से उसे aspects जो होते हैं वो बहुत ही stringent और strict होते हैं Whereas licensing के थोड़े से loose होते हैं मतलब ऐसा नहीं बोल रहे कि लाइसेंसिंग में रूल्स ही नहीं होंगे होते हैं लेकिन जब उसे कंपेयर करें हम फ्रेंचाइजिंग के साथ में तो उस टाइम पे हमें लगता है कि नहीं यार इसके रूल्स थोड़े से स्ट्रिंजेंट हैं फ्रेंचाइजिंग के और उसके कंपैरिजन में लाइसेंसिंग के थोड़े से लीनेंट हैं देन दे से फ्रेंचाइजर्स यूजुअली सेट स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस एज टू हाउ द फ्रेंचाइजर्स शुड ऑपरेट वाइल रनिंग देयर बिजनेस ये बोलते हैं कि जो फ्रेंचाइजर्स होते हैं वो यूजुअली ऐसे रूल्स बनाते हैं ऐसे रेगुलेशंस बनाते हैं जो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं जो कि फ्रेंचाइजी को अपने यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं फर्स्ट से आई एम द पर्सन हु इज़ ग्रांटिंग द राइट्स राइट तो उस टाइम पे मैं फ्रेंचाइजर बन जाऊँगी आप मुझसे वो राइट्स ले रहे हो आप फ्रेंचाइजी बन जाओगे तो उस सिनेरियो में मैं आपके लिए कुछ रूल्स लिखूंगी जिस पे आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट कि भैया ये तो फॉलो होने ही चाहिए और आपको वो सारे रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे नो मैटर आपका मन हो या नहीं हो सो यहाँ पे ये बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग में थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्स्ट्रा होते हैं एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी होते हैं जो कि लाइसेंसिंग में नहीं होता है फ्रेंचाइजिंग को हम बोल सकते हैं थोड़ा एडवांस्ड वर्जन ऑफ लाइसेंसिंग मतलब फ्रेंचाइजिंग थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड होता है एज कम्पेयर टू लाइसेंसिंग तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में दो बहुत बार देखा गया है बच्चे इन्हें इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं लेकिन दैट्स नॉट द राइट थिंग क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपस में थोड़ी सी तो चेंज है तो इसलिए दोनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए और डिफरेंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए एंड आई होप आपको इस वीडियो के बाद इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं विद दैट अगर आपको नोट्स चाहिए तो magnetbrainsbhopal.com पे जाके आप नोट्स भी ले सकते हैं दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैग्नेट ब्रेन्स प्लस करके एक और इनिशिएटिव के बारे में जानकारी मिलेगी वहाँ आप पूरा देख सकते हैं सारी जानकारी वहाँ मेंशन है रिगार्डिंग दैट इनिशिएटिव अगर आपको लगता है दैट्स गुड फॉर यू तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट Thank you so much.